अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीबा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नोनथाबुरी में लेके आया हूँ। ये थाईलैंड का एक शहर है, बैंकॉक सिटी के साथ अटैच है। यहाँ पे ट्रेडिशनल थाई सलाद तैयार किया जाता है। वैसे तो हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन ये शॉप जो है बहुत ही पुरानी है। मेरे साथ रहिएगा, आपको सोमताम खिलाएंगे, दिखाएंगे। सोमताम कहते हैं थाई में, और इसे पपाया सलाद भी कहते हैं, स्पाइसी सलाद। चलिए मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन पे, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। चले जी। चलिए अंदर चल के अपने ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। सोम ताम ताम थाई। होय खरांग। सोम ताम खाओ पोद। कुंग छे नम पला, ये आखिरी डिश है। चलिए टेस्ट करते हैं। ऐसा जायका हर शॉप पे नहीं मिलता। आपको इसके लिए कुछ खास पुरानी और ट्रेडिशनल शॉप्स तलाश करनी पड़ती है। अगर आप थाईलैंड में आए तो सोमताम को जरूर टेस्ट कीजिएगा। ये है जी, इसको बोलते हैं सोमताम खाओपोल। सोमताम बोलते हैं थाई ट्रेडिशनल सलाद। खाओपोल कॉर्न छल्ली, इसमें छल्ली डाली रहती है। और इसमें ये आप देख रहे हैं बॉइलिंग एग, बॉइलिंग एग और सम पीनट्स। ये श्रीम है, फ्राई श्रीम डाली जाती है इसमें। चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। एक और बाइट लेते हैं, एक बाइट।
टेस्ट है जी शेल, ये अभी पकाए नहीं है, कच्चे खाते हैं ये लोग, तो ये खाते हैं सॉस के साथ स्पाइसी, और इसमें लेमन डाला जाता है स्पाइसी, इसको सॉस बोलते हैं। ये आप, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आप ब्लड भी चेक कर रही हैं इसका, अभी पका नहीं है, इसको कच्चा खाया जाता है। आपको मैं चेक कराता हूँ, देखिए शेल, शेल के अंदर से जो कीड़ा है वो खाया जाता है स्पाइसी सॉस के साथ। मैं खोलता हूँ इसे, अभी कच्चा ही है ये, अभी मैंने आपके सामने खोला है, ठीक है। ये आप ब्लड भी देख सकते हैं इसका। अब इसको मैं खाने लगा हूँ, इस कीड़े को बाहर निकाल के सॉस में डिप करेंगे। ये देखिए, ये कीड़ा बाहर आ गया, इसको सॉस में डिप करेंगे। ज़बरदस्त। कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो समझेंगे तो हम लोग खा रहे हैं कच्ची चीज़ें, लेकिन इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन देता हश है आपको, इसमें विटामिन दरकार जो होते हैं आपकी बॉडी के लिए वो भी इसमें दरकार होते हैं। ये श्रिम, ये भी एक काइंड की श्रिम है, हर श्रिम जो है कच्ची नहीं खाई जाती, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका कलर भी ऐसे जैसे शीशा नमा होता है, ये देखिए इसका कलर भी ऐसे है जैसे शीशा नमा है। बाकी की जो श्रिम है उनका कलर जो है येलो कलर, ऑरेंज कलर की निकलती है, ये ख़ास किस्म की है, इसको भी कच्चा ही खाया जाता है, और इसको भी स्पाइसी सॉस के साथ खाया जाता है, एक मखसूस किस्म का सॉस सॉस है, इसके साथ खाया जाता है, इसके साथ इसका सर है, सर को अलग करेंगे उधर से पकड़ के, ये देखिए ये ब्लीडिंग भी आप चेक कर रहे हैं, ब्लीडिंग भी अभी हो रही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ये जो सॉस है सॉस सॉस में डिप करेंगे। सॉस में डिप करने के बाद माइंड ब्लोइंग, कभी नहीं खाया ऐसा टेस्ट पाकिस्तान में। स्टिकी राइस पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी, स्टिकी राइस ये पकाए जाते हैं। अब इसको स्टिकी क्यों बोलते हैं, ये देखिए, इसको मैंने पैकिंग से बाहर निकाला, ये देखिए बबल गम्स की तरह ये स्टिकी है, ठीक है, ये देख रहे हैं, खींच के निकालना पड़ता है। स्टिकी राइस इसको आप खा सकते हैं हर चीज के साथ, फ्राइड चिकन के साथ, सोमतम के साथ, जो थाईलैंड का सलाद है खसूसन, इसको फ्राइड चिकन और इसके साथ खाया जाता है। इसको ये देखिए ऐसे स्टिकी राइस में कवर करके, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।